नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, उसने कहा कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज भी कैसा है, समकोण है और समद्विबाहु है। ठीक है, ए उसने कहा है, तो हम एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते। यहां ये समकोण है, समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह कहलाती है कर्ण। यहां हम इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसकी जो दो भुजाएं हैं इनको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों समद्विबाहु है तो बराबर है। कर्ण की लंबाई उसने दी है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख लेते हैं कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें एक थ्योरम पता है, एक प्रमेय पता है, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो एंगल बन रहा है जहां पर 90 के, उसके सामने की जो भुजा है उसका बल, तो 90 के एंगल के सामने कौन सी भुजा कहलाती है, वह कहलाती है कर्ण। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आधार, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा होता है लंब, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब जिस जिसकी हमारे पास वैल्यू है वह हम यहां रख देंगे। कर्ण कितना है? कर्ण है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। आधार हमें पता नहीं है, x है, तो x का स्क्वायर। लंब भी हमारा x है, तो x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे कितना आएगा, 25/2। ठीक है, हमने यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है। अब लगाएंगे हम सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार, यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो 1/2 लंब है यहां पर x, और आधार भी कितना है, x है, कितना हो जाएगा x² / 2। x स्क्वायर की हमें यहां पर वैल्यू पहले से निकल के आ गई, कितनी थी 25/2, और गुणा 2 पहले से है, कितना हो जाएगा 25/4। 4 से भाग लगा देंगे, 4 × 6 = 24, बचा 1, 4 × 2 = 8, और 4 × 5 = 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आया वह निकल के आया 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे निकाला? पहले तो हमें कर्ण अकेला दिया गया था, एक कंडीशन उसने दी थी कि समद्विबाहु है, तो हमने दोनों भुजाओं को बराबर मान लिया। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पर निकाल ली। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई, तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, जो कि 1/2 ऊंचाई गुणे आधार होता है, हमने उसकी सबकी वैल्यू रख दी, तो हमारा आंसर निकल के आया 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।